तो हम पहुंच चुके हैं पनवेल रेलवे स्टेशन। अगर हम वहीं पर इसके हाउस की बात करते हैं तो ये पनवेल से हजरत निजामुद्दीन के लिए कितना टाइम लेती है? तो दोस्तों आपको बता दूं कम से कम ये 24 से 25 घंटा कवर करेगी। 12:35 पर ये पनवेल से चलेगी और 1:35 पर ये हमारे को हजरत निजामुद्दीन दिल्ली पहुँचा देगी। तो ये पनवेल का रेलवे स्टेशन देख सकते हो दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यह ट्रेन आती है और अभी जो स्टेशन पर क्राउड बढ़ चुका है जो इस ट्रेन की वेट कर रहे हैं। टाइम हो चुका है 12:32 और जो हमारी ट्रेन का टाइम है 12:35। तो देख सकते हो दोस्तों सामने से हमारी जो ट्रेन आ गई है। तो ये देख सकते हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हिंदी पुस्तकालय वचनालय। तो इसको मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, पिछले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी एक पुस्तकालय कर्मचारी लाइब्रेरियन हूँ और मेरे चैनल का नाम भी मिस्टर लाइब्रेरियन है। पुस्तकें क्योंकि दोस्तों पुस्तकें जो जीवन में महत्वपूर्ण कार्य अदा करती हैं, एक विचार अदा करती हैं, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। पुस्तक प्रेमी सबसे धनवान व सुखी होता है, विचारों के युद्ध में भी पुस्तक अस्त्र है। किसी गया पंडिपा एम, तो दोस्तों जो हमारा कोच है वो M1 है, जिसके अंदर हमारी जो सीट है 6 और 8 सीट है। तो फिलहाल उसके ढूंढ रही है, देखो ये आ गया हमारा जो कोच है M1। तो इसके अंदर एंट्री करते हैं अभी। तो अभी चलते हैं अपने जो कोच है उसके अंदर। तो ये है हमारा जो सीट नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 और अभी हम यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये थर्ड एसी है, उसका वॉशरूम देख सकते हो, जो फीलिंग है फर्स्ट एसी बिल्कुल फर्स्ट एसी जैसी है सेम। और यहाँ पर आप अपना हैंड वॉश के लिए हैंड वॉश कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखा आपने जो हमारा थर्ड एसी डिब्बा था, बिल्कुल जो फर्स्ट एसी जैसी फीलिंग दे रहा, बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसा तो जो मैंने थर्ड एसी पहले दो या तीन बार बुक कर लिए, लेकिन उनमें ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल स्लीपर जैसे थे। थोड़ा सा मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो इस साइड वहाँ से आपको कोई खड़ा था खड़ी थी। तो यहाँ पर ये लाइटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइट से अरेंजमेंट होता है। तो आपको डिपार्चर दिखा देता हूँ, यहाँ ट्रेन नहीं आगे चल पड़ी है, एक बार आपको बैठ करने से डिपार्चर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो जो हमारी ट्रेन है उसका सिग्नल हो गया और यहाँ जो ट्रेन है तो चल पड़ी है। स्लीपर में जाऊँ, स्लीपर में बंदा नहीं भाई, मैं ज्यादा डा की तरह लागू इस वजह से तो जो हमारी ट्रेन है वो नासिक से थोड़ा पीछे खड़ी है। वैसे इसका यहाँ पर प्लेटफॉर्म, वैसे यहाँ पर इसका स्टेशन नहीं है, लेकिन वैसे रुक रखी कोई आगे क्रॉसिंग करवा रही होगी। तो यहाँ से हम कुछ खाने पीने का ले लेते हैं। हमारे पास जो कैश है वो कैश खत्म हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कहीं नहीं हो रही दोस्तों, अजीब है सुनने में भी। IRCTC तो बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं है, लेकिन जो बाहर लगे हुए हैं स्टॉल यहाँ पर मना कर रहे हैं। आपको जो ये सीट दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पर जो डिब्बे का एक वो होता है जो देख रेख करता उसके लिए होती है, वो यहाँ पर सोता है। बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश तो महाराष्ट्र में रुकने का नाम नहीं लेती, कभी कहीं तो एक बार फिर से तेज बारिश आ गई है। कोच के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है थर्ड एसी क्लास का वॉशरूम, आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी साफ सफाई है।
और यहाँ पर अलग से वो भी लगाया हुआ, यहाँ पर आप अपना हैंड वॉश कर सकते हो, उसके लिए आपको डिटॉल या मतलब हैंड वॉश के लिए वो भी दिया गया है। यहाँ पर फेस वॉश है, यहाँ पर आप अपनी कुछ भी जो चीज़ें हैं वो आराम से रख सकते हो, यहाँ पर टांग सकते हो, यहाँ पर लाइटिंग है, बहुत ही फैसिलिटी दी जाती है दोस्तों। ऐसा स्लीपर, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी में कुछ नहीं, तो अंतर जरूर होता है दोस्तों। तो इस ट्रेन के अंदर सबसे बड़ी बात बता देता हूँ आपको, जो वो है सिक्योरिटी परपज, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर दोस्तों हर एक कोच के अंदर कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और आप पिक्चर दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर 3 से 4 कैमरा तो यहाँ पर भी लगे हुए हैं, और जो जैसे कोच के अंदर एंट्री करते हैं, कोच के अंदर भी आपको एक दूसरी साइड दोनों साइड आपको कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, तो आप कहीं को सब जल्दी परमिट कर सकते हो ट्रेन की, और साफ सफाई में भी उसमें भी कोच का कोच तो बिल्कुल साफ सुथरा है। ऐसा कोच तो मैंने आज तक दो या तीन थर्ड ए सी जब निकल चुका हूँ, लेकिन ऐसा कोच नहीं देखने को मिला। कोच को कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट ए सी एंड टू सेकेंड ए सी से कंपेयर कर सकते हो, दोनों में दोनों के साथ सेकेंड ए सी तो आराम से कह सकते हो की फैसिलिटी दी गई अंदर। तो दोस्तों ये है थर्ड क्लास का कोच, और यहाँ पर ऊपर सीट पर देख सकते हो किस प्रकार से दोस्तों प्लग है, चार्जर चार्जिंग करने के लिए फ़ोन, या किस प्रकार की जो आप सीधे अपने डाटा केबल लगा सकते हो, यहाँ से लाइट ऑन कर सकते हो। बार बारिश आ रही है तो दोस्तों बार बार कोई वीडियो बना नहीं सकते, बार कभी आपको दिखा सकते हैं, अंदर कभी दिखा देते हैं, तो हमने फिलहाल जो खाने का लिया वो दिखा देते हैं बार आपको भाई। आपको एक और ये तस्वीर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्रीन और रेड दिख रहा है, ग्रीन का मतलब ये जो वॉशरूम में खाली है, और जो रेड दिख रहा है कोई वॉशरूम में कोई सभी अंदर है। एक बार खा के देख लेते हैं दोस्तों, देखते हैं भाई मज़ा भी है या नहीं है, वह तो पैसे हैं वेस्ट हैं, बाकी पैकिंग बेकार है, कोई इतनी अच्छी नहीं है, खाने की पैकिंग खराब है, लेकिन खाना तो अच्छा है। खाने की पैकिंग खराब है, पैकिंग तो बिल्कुल जीरो कह सकते हो जीरो का, लेकिन जो खाना वो खाना ठीक है। तो शाम के 9 बज चुके हैं, तो मेरे पास कोई कम नहीं है, आज मैं इससे काम चलाऊँगा, तो मिलते हैं दोस्तों सुबह, तो तब तक के लिए गुड नाइट। इसके अंदर थर्ड एसी के अंदर आपको ब्लैंकेट नहीं दिया जाता, अपना ब्लैंकेट साथ में ले गए, जैसे मेरे साथ नहीं था वो भाई भाई तो अपने पास से उनका से चादर लेके आया हुआ था, मेरे पास चादर नहीं थी, मैंने अपने टाउन से काम चलाया, काम चलाया। तो अगर आप इसके भी अंदर यात्रा करते तो अपना जो ब्लैंकेट है वो पहले से घर से लेके चले। 12:38 हो चुकी है, और फरीदाबाद स्टेट रेलवे स्टेशन पर हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है। इस जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन, और जो वही हमारा नेक्स्ट स्टेशन है, और हम अपने जो कोच है कोच से बाहर जो आ चुके हैं, जो हमारा सामान था हमने सारा ऑलरेडी 1 घंटा पहले पैक कर लिया, अब तैयार कुछ सामान उठाना और स्टेशन से बाहर निकलना है। रेलवे स्टेशन पर, और आपको ट्रेन के बारे में बता देते थोड़ी ब्रीफ जानकारी, ट्रेन के रिव्यू के बारे में। ट्रेन थी मंगलादेवी एक्सप्रेस, जो कि एर्नाकुलम से चलती है और हजरत निजामुद्दीन के लिए आती है, जिसका ट्रेन नंबर है 12617, और जो कि यहाँ से पनवेल से हजरत निजामुद्दीन के लिए लेती है 24 से 25 घंटे लेती है, जो इसका टाइम वहाँ से अराइवल का टाइम है 12:35, और यहाँ पर डिपार्चर का टाइम है 1:35। अगर वहीं पर इसके किलोमीटर की बात करते हैं, कितने किलोमीटर कवर करती है, 1500 से 1600 किलोमीटर ये जो ट्रेन है कवर करती है पनवेल। अगर वहीं पर इसके रेलवे की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रेन है, अगर आप इसमें आना चाहो तो आ सकते हो, हमारे को रेलवे स्टेशन 15-20 मिनट पहले ही पहुँचा दिया था, टाइम से 20 मिनट पहले।
तो इस सीरीज की जर्नी को करते हैं यहीं पर खत्म, और मिलते हैं आपको एक नई सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।